वेलकम बैक टू चैनल लिविंग ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम फिर रेडी होके कहीं पे निकले थे क्योंकि आज है हमारा एक फ्रेंड का बर्थडे, तो हम उनसे मिलेंगे पहले, फिर हम चारों मिलके कहीं घूमने जाएंगे। मस्त प्लान है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक बहुत कम लोग गए होंगे। अच्छा बात नहीं, क्योंकि मैं सिलगढ़ी में होके भी मैं नहीं पहुँच पाई थी, तो ये कुछ ही किलोमीटर दूर है गाइस। तो हमारे ब्लॉग को देखते रहना एंड तक, इसको बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है। और कहाँ पे कहाँ से जाना है ये हमारे ब्लॉग पे दिखा देंगे हम और सब कुछ आपको बता देंगे, तो स्किप मत करना। पहले हम मिलते हैं हमारे दोस्त से, बर्थडे गर्ल से मिलाते हैं आज हमारा मेन गेस्ट जो है, जिसके वजह से हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। बर्थडे गर्ल बहुत बिजी है, भाग रही है। ये श्वेता, इतनी खुशी मुझे। आप लोग भी हैप्पी बर्थडे कमेंट में कर देना, रिलेटेड हो कुछ भी हो कमेंट करना श्वेता के लिए। और इनका चैनल है, बोल दो तो। मेरा चैनल का नाम मम फाटना क्यों हो। अच्छे से देख लेना और इनका सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सभी संचय और यहाँ पे हमारा भाई है, रजक। इनका नाम है रजक, शुभम रजक है। वन शुभम, सेकंड शुभम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, बहुत ही मस्ती करने वाले हैं आज हम लोग। और बहुत ही एक खूबसूरत जगह में जाने वाले हैं आज, जो कि नॉर्थ बंगाल का बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अपडेटेड प्लेस है, नियर सिलीगुड़ी है। तो जगह का नाम है बंकलुंग। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। बंकलुंग, ठीक है। तो बहुत ही कम लोग गए हैं उधर, तो चलो चलते हैं और जर्नी पे बने रहिए आज का। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द जर्नी। तो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बंकलुंग, तो कुछ ही सफर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। जाने के लिए रोड तो भाई ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पे इतना सारा टी गार्डन है ना, बट रास्ता खराब है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। देखो गाइस कितना सुंदर टी गार्डन है। इतना डिफिकल्ट रोड से होके गाइस हम जा रहे हैं, बट जो वहाँ पे व्यूज है ना, कसम गाइस मत पूछो, ये रोड तो हमें कुछ फील ही नहीं होगा। द वेट इज ओवर, हम लोग बंकलुंग खोला में पहुंच गए। सो चलो दिखाते हैं आप लोगों को बंकलुंग। पहले हम कुछ खाएंगे गाइस यहाँ पे आंटी के दुकान में, आप लोग भी आके खा सकते हो। सो दोस्तों अभी हमारा पार्टी हो रहा है इधर,
बर्थडे गर्ल का पार्टी है बर्थडे गर्ल तो दीदी एक डिश बना रहा है अभी तो खा के हम लोग अभी निकलने वाले हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग बंकुलुंग पहुंच गए और अभी थोड़ा पैदल घूमने जा रहे हैं और ये है ग्यामन ब्रिज देख सकते हो काफी सुंदर नजारा है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है पीस ही पीस है दोस्तों। एक्चुअली ये प्लेस ना बहुत कम लोगों को पता है ठीक है तो मैंने आज तक मुझे भी नहीं पता है इस सिलीगुड़ी इतना दिन से रह रहा हूँ और तो काफ़ी सुंदर है टूरिस्ट लोगों का तो एकदम खास होगा ये प्लेस। तो ये कुछ नज़ारा है ये थोड़ा आगे नदी है और इधर आप लोग कैंपेनिंग भी कर सकते हो होम स्टे वगैरह भी है इधर फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। तो दोस्तों ये देख सकते हो क्या नज़ारा है ऐसा नज़ारा सो सिर्फ पहाड़ में ही देखने को मिलता है काफ़ी खूबसूरत है। ये रहा बंकलुंग रिवर एकदम साफ सुथरा पानी है देख सकते हो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है एक बार तो विजिट करना चाहिए आप लोगों को। ये एक्चुअली आपको सिलीगुड़ी से अप्रॉक्स 38 किलोमीटर पड़ेगा ठीक है जो कि ये आपको दूधे होके आना पड़ेगा दूधे से थोड़ा ऊपर किसी को भी पूछने से या मैप देख के आप लोग आ सकते हो बंकुलुंग ठीक है काफी खूबसूरत जगह है ये। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए बहुत ही मजा आने वाला है आपको। दोस्तों इधर देख सकते हैं एकदम नेचुरल वाटर ये जो पाइप दिखता है ये कोई मोटर वगैरह से नहीं आ रहा है ये पहाड़ से निकल के आ रहा है इधर टैंक में जमा हो रहा है और पीने के लिए इधर एकदम नेचुरल वाटर। तो दोस्तों आपने हमारा बंकलुंग का जर्नी देखा होगा आप लोग को पसंद आया होगा तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात का प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए कर दो यार पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो। और बहुत सारा ब्लॉग है हमारा बहुत सारा चैलेंजिंग वीडियो है प्लीज़ चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय आपसे लेते हैं अलविदा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय गाइस। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त के लिए जिसका बर्थडे था आज हम लोग ने प्लान नहीं किया था तो अभी ये हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सब्सक्राइब कर दिनो लाई अयो अभी अलविदा कहने का वक्त आ चुका है उन लोगों को।